अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीते दिनों पहले बेतुका बयान देकर गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। अठावले ने महंगाई को लेकर कहा था कि उन्हें डीजल और पेट्रोल मुफ्त में मिलता है, इसलिए इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार मेरी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरवाती है। सरकारी पैसे पर पेट्रोल और डीजल जब आता है तो इस बारे में क्या सोचना। ये बेतुका बयान दिए उन्हें मात्र 3 दिन ही हुए होंगे कि उन्होंने एक और विवादित बयान देकर 2 समुदायों में दंगा कराने का काम किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अयोध्या में न राम मंदिर था और न ही बाबरी मस्जिद, यहाँ बौद्ध मंदिर था। यदि इस जगह की खुदाई की जाए तो बौद्ध मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे। अयोध्या मामले पर जहां एक तरफ मुस्लिम समाज मस्जिद होने का दावा करता है तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज मंदिर होने का, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि रामदास अठावले ने विवादित बयान देकर एक नए विवाद को जन्म देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।